पहले लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सिखाया सबक। जो योजना बनी थी उसको शत प्रतिशत तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। और हमारी नेक दिली देखिए, मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। अब पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन के सामने उसके घर में होगी पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 4 दिनों की यात्रा पर चीन पहुंची हैं। इस दौरान वो द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ अहम बैठक करेंगी। इसके अलावा वो 24 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगी। उसी दिन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में उनके पाकिस्तानी समकक्ष भी उनके सामने होंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शंघाई सहयोग संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ कोई द्विपक्षीय मुलाकात नहीं करेंगी। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान के मंत्रियों के साथ कोई बैठक नहीं होगी। आपको बता दें कि पिछले साल ही शंघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया है। जून में इसकी बैठक होनी है, इसी की तैयारी के लिए चीन में बैठक आयोजित की गई है।